हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की रेसिपी है ये डिलीशियस सी और ठंडी ठंडी सी दिखने वाली कुल्फ़ी, ओरियो कुल्फ़ी, जो कि हम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए आपको गैस को जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाला बेल आइकन क्लिक करें, और ये बिल्कुल फ्री है। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरियो कुल्फी बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिया है ओरियो बिस्किट, ये देखिए। और आप इसकी जगह कोई और चॉकलेट बिस्किट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद इस तरह से हम एक प्लास्टिक बैग लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे इस बिस्किट को। और यहाँ पर मैंने पूरे बिस्किट नहीं डाले, इसमें मैंने डाले हैं सिर्फ 7 बिस्किट्स। और इसके बाद इसे हम इस तरह से एक बेलन लेंगे और इसे क्रश कर लेंगे। ये हो गए हैं और इन्हें हम निकाल लेंगे एक बोल में। तो एक बोल लेंगे हम और उसमें ये बिस्किट्स निकाल देंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से क्रश कर ले इस तरह से आप, और इसे हम रख देंगे साइड में। और इसके बाद लेंगे हम एक मिक्सिंग जार, उसमें डाल देंगे हम बिस्किट्स तोड़ के। जो हमने 3 से 4 बिस्किट जो बचा के रखे हैं वो इसमें हम तोड़ के डाल देंगे। और इसका हम एक फाइन पाउडर बनाना है, ये देखिए इस तरह से इसका एक फाइन पाउडर बना लें। और इसे भी हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद लेंगे हम वनीला आइसक्रीम। तो जो मार्केट में कटोरी में आइसक्रीम मिलती है आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये 1.5 कप वनीला आइसक्रीम लिया है। और इसे आप 15 मिनट पहले फ्रीज़र में से निकाल दें जिससे कि ये थोड़े मेल्ट हो जाएं। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद इन दोनों को हमें अच्छे से करना है मिक्स। आप वनीला आइसक्रीम की जगह इसमें दूध या फिर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। आप दूध को पका कर या फिर मलाई से भी ये ओरियो कुल्फ़ी बना सकते हैं, बट इससे जो है वो इंस्टेंट हो जाता है, वो फटाफट से बन जाता है अगर आप वनीला आइसक्रीम से बनाएंगे तो। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी जो ये कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये रेडी हो गया, इसे भी हम साइड में रख देंगे। और अब लेंगे हम कुल्फ़ी मोल्ड। और अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप इसे किसी ग्लास में भी जमा सकते हैं। और अब हम इसे फिल करेंगे मोल के अंदर। और इसी तरह से हम बाकी के मोल्ड को भी भर लेंगे। तो देखिए, सारे मोल्ड को मैंने भर लिया है। और अब हमने जो बिस्किट के पाउडर बनाए थे वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। इसे आप इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दें।
अब हम इसके ऊपर इसका जो ढक्कन है उसे हम इस पे लगा देंगे। और इसके बाद हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में करीब 5 से 6 घंटे के लिए, जिससे कुल्फ़ी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, वो जम जाए। ये देखिए कुल्फ़ी जम कर आ गई है, तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। इसे पहले हम खोलते हैं और इसके बाद इस तरह से हम एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे और उसे इसके बीच में हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे। और आप इसके लिए नाइफ की भी हेल्प ले सकते हैं। और अब हम एक ग्लास में लेंगे नॉर्मल वाटर और उसे इसमें डिप करेंगे हम बस 10 से 5 सेकंड के लिए। उसके बाद इसे इस तरह से हम घुमाएंगे तो कुल्फ़ी जो है वो इजीली निकल आएगी। देखिए कितनी अच्छी और ज़बरदस्त कुल्फ़ी बनी है, वो भी बिना गैस जलाए और इंस्टेंट सिर्फ 2 चीज़ों को यूज़ करके। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी बन के रेडी हो गई है, ठंडी ठंडी सी। तो इस गर्मी में आप भी इसे बनाकर एंजॉय करें और मुझे बताना ना भूलें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।